दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारत सरकार के नागर विमानन राज्य मंत्री माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, सचिव नागर विमानन श्री राजीव बंसल जी, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन विभाग सीएसपी गोयल जी, एयर एशिया के एमडी और सीईओ श्री सुनील भास्करन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित एयर एशिया से जुड़े हुए और अन्य सभी आगंतुक महानुभाव भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के लिए भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, डॉक्टर जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, भारत सरकार के सभी अधिकारियों को और प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग समेत एयर एशिया के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेश शासन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रदेश की राजधानी को बेहतरीन वायु सेवा के साथ जोड़ने के लिए जो सकारात्मक रुख अपनाया है, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उड़ान योजना को शुभारंभ करते समय तो एक उन्होंने संकल्प दिया था कि एक आम नागरिक भी, यानी हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, उस सपने को साकार करने जैसा है। और इसके लिए मैं आप सभी को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में बेहतरीन सफलता भी प्राप्त की है। एयर कनेक्टिविटी आज की आवश्यकता है और इस आवश्यकता की दृष्टि से मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ और वाराणसी, ये दो एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील थे, गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से, लेकिन आज हमारे पास 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह क्रियाशील हैं, जिसमें देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक बेहतरीन कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से हुई है। इसने उत्तर प्रदेश के विकास में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन भी किया है, लोग आम नागरिक के आवागमन को सहज और सरल भी बनाया है। अकेले लखनऊ के अंदर 2017 में हमारी जो लखनऊ का की जो कनेक्टिविटी थी वह मात्र 15 शहरों तक थी, 15 वायु सेवाएं यहां से संचालित होती थी, आज वो बढ़कर के 30 से अधिक सेवाएं यहां से लखनऊ एयरपोर्ट अकेले दे रहा है। और बहुत शीघ्र, जैसे भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम बहुत शीघ्र आजमगढ़, म्योरकोट, सोनभद्र में, चित्रकूट, अलीगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट को भी हम क्रियाशील करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का पहला प्रदेश होगा और उत्तर प्रदेश की आबादी और इसके पोटेंशियल को देखते हुए विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम जितने बेहतरीन कनेक्टिविटी देंगे उतना ही विकास की गति को हम तीव्र कर पाएंगे। मैं एयर एशिया को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने के लिए, बेंगलुरु से जोड़ने के लिए, गोवा से जोड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य जो
बहुत संभावनाएं हैं। उन सभी शहरों को भी हम जोड़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल का लाभ न केवल कंपनी लेगी बल्कि उत्तर प्रदेश के आम नागरिक को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपने संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करने की एक उन्हें भी उनका भी सहयोग लेंगे और उन्हें भी सहयोग देने में अपना योगदान देंगे। मैं साथ ही साथ इस बारे में भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी चाईवा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सप्रेस वेज के रूप में हो या फिर रेल कनेक्टिविटी को और बेहतरीन बनाने के लिए जहाँ इस दिशा में राज्य सरकार अपना सहयोग कर रही है, वहीं प्रदेश के अंदर सिविल एविएशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर के इन कार्यक्रमों को एक नई गति दी है और मुझे विश्वास है कि इस संबंध में भारत सरकार का जो सकारात्मक सहयोग हमें अब तक प्राप्त हुआ है, ऐसे ही आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को इसी प्रकार से एक सकारात्मक सहयोग भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा प्राप्त होगा और राज्य सरकार का पूरा सकारात्मक सहयोग उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए होगा। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो फ्लाइट हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उससे जुड़े हुए सभी यात्रियों को एयर एशिया से इस पहली फ्लाइट से यात्रा करने के लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि एयर एशिया आम उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें बेहतरीन सेवा देने का कार्य करेगा। आप सबके इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। इसी के साथ ये आयोजन संपन्न होता है। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और साथ ही दिल्ली से जुड़े हमारे माननीय नगर विमानन मंत्री और माननीय नगर विमानन राज्य मंत्री महोदय का। आप सबके सानिध्य और सामिप्य और उद्बोधन से हम सबको एक नई प्रेरणा और ऊर्जा मिली है। इसी के साथ उड़ान भरने के लिए सब तैयार हो और आयोजन अब समाप्त होता है लेकिन उड़ानों का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। सभी के लिए हाईजी की व्यवस्था आप सभी से अनुरोध है कि ये जलपान ग्रहण करके यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अर्चना सतीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। दिल्ली से आप देख रहे हैं कि फ्लैग दिखाया जा रहा है जो एक परंपरा है नगर विमानन की। नगर विमानन की नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।